ओके सॉरी, रिकॉर्डिंग नहीं लगा था, सो दोबारा से यहाँ से 54 पर आ जाते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स अबाउट एड्स इज दैट, एड्स के बारे में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा है? वो ए, इट इज नॉट ओनली डिजीज ऑफ होमोसेक्सुअल, बी ये भी फॉल्स है, सी इट कैन ओनली बी कम्प्लीटली क्योर्ड नाउ, इट इज स्प्रेड बाई एच आई वी आर एस, ऑल ऑफ द अबव। ई में ऑल ऑफ द अबव क्यों आ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डी ऑप्शन को अगर हम देखिए, डी ऑप्शन एक डीएनए वायरस में लिखा गया, तो इसकी वजह से ये गलत है, डीएनए वायरस नहीं है, तो ये भी फॉल्स हुआ। इसको आप मुकम्मल तौर पर क्योर कर सकते हैं, ये भी फॉल्स हुआ, ये भी गलत है, मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं कर सकते हम। हाथ मिलाने से ये डिजीज हो जाती है तो ये भी गलत है, और ये सिर्फ होमोसेक्सुअल में पाया जाता है, ये भी फॉल्स एलिमेंट है, तो सब के सब फॉल्स एलिमेंट है। हम लोग ई को कलेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ड्रग्स दैट इज बीइंग ट्राई टू ट्रीट एड्स इज, एड्स को का इलाज के लिए जो ड्रग है वो अर्गोटामाइन है, रिबावायरिन है, अल्फा इंटरफेरोन है, प्रोप्रानोलोल है, एजिडोथाइमिडीन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अर्गोटामाइन नहीं है, रिबावायरिन नहीं है, अल्फा इंटरफेरोन नहीं है, प्रोप्रानोलोल नहीं है, एजिडोथाइमिडीन AZT के नाम से। ये एक ड्रग है जो एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। HIV इज अ रेट्रोवायरस, ये बिल्कुल सही है, रेट्रोवायरस है, ओनकोवायरस नहीं है, आरएनए वायरस है। ऑल ऑफ द अबव ए एंड सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो कि HIV के अंदर एक एंजाइम, ये करता क्या है? कॉज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए बनाता है, गलत। हमें पता है कि आरएनए से डीएनए बनाता है कौन? ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांस क्रिप्टेज। एमडीकेट के स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो वीडियोस दिया गया हुआ है वहां पर भी आप लोगों ने इसको पूरा तफसील से देखा होगा, ठीक है, लेक्चर्स में, तो अब आपके लिए कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर। सो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, का द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए फ्रॉम आरएनए, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए, ये भी गलत है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, डी इज करेक्ट। ऑफ द फॉलोइंग द वन दैट डज नॉट कॉज द स्प्रेड ऑफ एड्स इज, इसमें से वो कौन सा है जो एड्स को कॉज नहीं करते हैं? बार्बर सेलून, हमाम कॉज कर सकते हैं। कंटामिनेटेड सिरिंज, जो सिरिंज एक बार किसी ने इस्तेमाल किया वो सिरिंज लगाने से एड्स फैल सकता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बिल्कुल एड्स हो सकता है, खून देने से एड्स हो सकता है। अगर कोई मरीज HIV का मरीज है, एड्स का मरीज है, उसके साथ गले लगाने से एड्स नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई, बाकी गलत है। सेल्स इन्वॉल्व इन एड्स आर मेनली, एड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है, लेकिन मेनली जो सेल्स है वो कौन से है? वो CD3 सेल्स नहीं है, CD4 T सेल्स, CD4 T सेल्स। ये CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंसिएशन, CD। प्रायोन्स ऐसे वायरस की तरह पार्टिकल्स है जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं, तो प्रायोन्स आर पार्टिकल्स विद न्यूक्लिक एसिड ओनली, गलत। पार्टिकल्स विद प्रोटीन ओनली, ये सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत है। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट HIV? HIV के बारे में ट्रू स्टेटमेंट क्या है? द लिपिड मेम्ब्रेन इज बोरोड फ्रॉम द होस्ट। अगर आप HIV वायरस ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो उसके अंदर एक एक पर्दा होगा, आपको एक पर्दा नजर आएगा उसके अंदर, मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन कहाँ से मिली हुई? ये उसको होस्ट से मिली हुई, ठीक है। अच्छा, द स्पाइक्स आर मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन GP120। हाँ, इसके अंदर कुछ स्पाइक्स होते हैं, ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस मेम्ब्रेन के अंदर है, कुछ बाहर है। जो अंदर है उसका नाम है GP120, प्रोटीन का नाम है, वो जो स्पाइक्स निकले होता है वायरस से, अभी जो कोरोना वायरस है तो उसके शक्ल के अंदर स्पाइक्स निकले हुए थे, सबने देखा होगा, तो ये दरअसल स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स। तो स्पाइक के अंदर GP120 और ट्रांस मेम्ब्रेन GP441, ये जो है ये दोनों प्रोटीन वाकई में इसके अंदर होते हैं, तो ये भी तो करेक्ट है। कंटेन्स थ्री इंजाइम्स नेमली, अच्छा HIV के अंदर तीन किस्म के इंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, प्रोटीएज है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज है कि यार हाँ ट्रांसक्रिप्टेज तो मैंने सुना था, लेकिन इंटीग्रेज और प्रोटीएज नहीं है। हाँ, इसमें इंटीग्रेज भी है, प्रोटीएज भी है। इंटीग्रेस क्या करता है? एक डीएनए को जो उन्होंने बना लिया, इसको होस्ट किए डीएनए में डाल देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, ये एंजाइम आएगा। और बाकी
सेल के अंदर अगर कोई प्रोटीन को तोड़ना हो तो उसके लिए ये वाला एंजाइम काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा। सो ऑल आर ट्रू अबाउट एच आई वी, ये डी करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर ऑफ वायरस इज कॉल्ड, वायरस के आसपास जो प्रोटेक्टिव कोट है उसका नाम क्या, उसका नाम क्या एप्सिड है। बात ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिस्कशन आई नहीं है, जिसको स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ऑन द बेस ऑफ कैप्सिड द हेलिकल शेप्ड वायरस इज, शेप की बुनियाद पर हमने वायरस को क्लासिफाई किया ना, कि वायरस को आप शेप की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं, आप उसको होस्ट के बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको जीनोम की बुनियाद पर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो शक्ल की बुनियाद पर अगर आप क्लासिफाई करोगे तो जिसका हेलिकल शेप स्ट्रक्चर हो, हेलिकल शेप लाइक दिस, इस तरह का वायरस का क्या नाम था, टीएमयू वायरस, ट्यूबरकुलोसिस वायरस। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट इरिवर्सिबल इनहिबिटर इज दैट, अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर के बारे में जो स्टेटमेंट ट्रू है, अब यहां से जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो एंजाइम का कुछ थोड़ा सा ऐसा रह गया, ठीक है। मेरे ख्याल में दो तीन यहाँ हम लोग यहाँ 42 पर आए थे, सो 42 के बाद अब हम 43 पर जल्दी जल्दी जाके, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड द एंजाइम एट इट्स, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के साथ कहाँ पर आते हैं, बाइंडिंग साइट पर, एले एक्टिव साइट पर, एलोस्टिक साइट, एलोस्टिक साइट एंजाइम के ऊपर, एक्टिव साइट के अलावा वो साइट है जहां पर ये कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिव इनहिबिटर्स वगैरह वहां पे जाके अटैच होते हैं, कम्पिटिटिव नहीं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स यहाँ आके अटैच होते हैं, सो दैट इज एलोस्टिक साइट। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द इरिवर्सिबल इनहिबिटर इज दैट दे फंक्शन बाय फिजिकली ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट, ये ब्लॉक करते एक्टिव साइट को फिजिकली, दे में फंक्शन बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर आते ही कुछ अंदाजा हो जाता है आपको, ठीक है, कि इरिवर्सिबल जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है जब वो बाइंड करते हैं वो एंजाइम के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तबाह करते हैं। सो डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वुड बी मोर एक्यूरेट देन द फर्स्ट वन। अब अगर सवाल ये कि अगर आप देखें तो कोवलेंट बॉन्ड तो उधर भी बनाते हैं, लेकिन उधर तक तो अगर कोवलेंट बॉन्ड को भी हम इंक्लूड कर ले तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है, बी और सी वाला ऑप्शन नहीं है, आप दबाव कर ही नहीं सकते क्योंकि फिजिकली ब्लॉक जो है कम्पिटिटिव में आ जाएगा। तो दैट इज वाई डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर शेप को हम लोग क्लिक कर देते हैं। सो इस तरह के भी एमसीक्यूज कभी कभी हमारे सामने आ ही जाते हैं जिसमें थोड़े थोड़े से वीक जोन होंगे, लेकिन फिर भी अपने काम लेना होगा। सो यहाँ पर सी को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। सो दैट वॉज कुछ एमसीक्यूज जो पूरे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया था वो मैंने आपको अभी भी ये करा दिया। सो आई थिंक थक गए ज्यादा, क्लास लंबा हो गया, तो इनशाला आपसे कल फिर मुलाकात होगी, जो जो चैप्टर में जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से कंटिन्यू करेगा, बायोमेजेटिक्स और दूसरा कौन सा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री में, जी हाँ लिक्विड, वहीं से कर लेंगे। सो थैंक यू।